नमस्ते, पता नहीं क्या बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, तो अगर कुछ गलत हुआ तो प्लीज़ माफ़ी चाहूंगी। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ कि आज के दिन ये शहरवासी, हमारे सभी कार्यकर्ता, आदरणीय कार्यकर्ता, हमारे सभी पंचायत प्रभारी, जिला सचिव, जिला अध्यक्ष, और जिनकी वजह से हम सब आज यहाँ एक मंच को साझा कर रहे हैं, रिस्पेक्टेड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम पुष्पम प्रिया जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव सर अनुपम सुमन सर जी, आज उनकी एक छोटी सी सोच की वजह से आज बिहार में जो क्रांति आया है उसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिसकी वजह से हम सब एक अच्छे ख्वाब देखने लगे कि कभी हमारा बिहार भी अच्छा होगा और हम भी इसके ठंडी छांव के नीचे सुख चैन की नींद सो पाएंगे। कुछ दिन पहले जब हम लोग इलेक्शन में थे, पूर्व प्रत्याशी मैं भी रही हूँ अपनी पार्टी से, और हार और जीत की बात नहीं करूँगी, बट मुझे पब्लिक का प्यार बहुत मिला, बहुत रिस्पॉन्स मिला अच्छा, और मैं इसे अपनी सबसे बड़ी जीत मानती हूँ। लोगों के बीच जाना, उनसे मिलना, उनके दुख दर्द को समझना, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। भले ही हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, पर जो सबसे ज़्यादा था वो था हमारा प्यार, हमारा विश्वास और लोगों के बीच सर उठाकर जाने की हिम्मत और शक्ति, जिसके सहारे मैं यहाँ तक पहुँची। बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मैं थोड़े से हाथ पैर थरथरा रहे हैं, आवाज़ भी साथ थरथरा रही होगी, पर साथ ही ये कहना चाहूँगी कि उसी बीच कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिले थे कि ये ऐसी ऐसी पार्टियाँ चुनावी मैदान के जंग के मशरूम हैं जो चुनाव के समय उगते हैं और फिर अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो आज इस मंच से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम चुनावी मशरूम नहीं हैं, ये एक साल की उपलब्धि, आज ये बता रही है कि हम सिर्फ अपने स्थापना समारोह दिवस नहीं, सप्ताह मना रहे हैं। इवन सप्ताह भी कम है, क्योंकि जितने लोगों की ख्वाहिशें थी तो महीने भी कम होते हमारे लिए अगर हम लोग हर किसी को एक एक दिन का टाइम देते दो। तो सबों की ये ख्वाहिश थी कि वो लोग अपने ब्लॉक में, अपने प्रखंड में बुलाएं और इस दिन को सेलिब्रेट करें, लेकिन थोड़ा इसको कट शॉर्ट करते हुए सिर्फ प्रमंडल वाइज इसको किया गया, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है और सब कुछ बता रही है हमारी पार्टी की उपलब्धि के बारे में। चुनावी मशरूम था वो आज बरगद से भी ज़्यादा, पीपल से भी ज़्यादा, नीम से भी ज़्यादा मजबूत उसकी जड़ हो गई है, और जिसकी शाखा हमारे सारे कार्यकर्ता मजबूत शाखा बनकर हर जगह लहरा रहे हैं, और जिसकी जड़ मैडम और सर हैं, हम हमारे सभी पदाधिकारी लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, तो इस मशरूम को कोई कैसे उखाड़ फेंकेगा। अब हम आ चुके हैं, आ गए हैं और यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, हम सब साथ थे हैं और रहेंगे। एक चीज़ और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बहुत ही दो होनहार बच्चे हमारे बीच आने वाले थे, पर वो कुछ उनके फादर को फीवर हो गया जिसकी वजह से वो लोग नहीं आ सके, तो वो प्रोग्राम हमें स्किप करना पड़ा। उनके माध्यम से सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं होते हुए भी वो बच्चे नेशनल और वर्ल्ड लेवल के आर्टिस्ट हैं, एक योगा में टॉप थे और एक कथक वर्ल्ड वाइड करते थे, वो पूरे वर्ल्ड लेवल के कथक आर्टिस्ट थे। तो वो नहीं होते हुए भी वो हमारे बीच नहीं अभी हैं, फिर भी हम लोग उनकी बातों के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने किया क्या, हमारे पास रत्नों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक अनमोल रत्न है, अगर हम ढूंढें तो हर किसी के घर में ऐसे होनहार बच्चे जरूर दिखेंगे। और बच्चों की बात मेरे मुँह से हमेशा इसलिए निकलती है कि शायद एक शिक्षिका होने के नाते हमेशा उन्हीं चीज़ों को ढूंढती हूँ, उन्हीं को तराशने की कोशिश करती हूँ जिसमें मेरी ज़िंदगी निकल गई।
पर खुशी है इस बात की, और शायद बहुत सारे लोग तलाश करके उन्हें बाहर भेज दिए, बिहार में वो नहीं है। तो दुख इसी बात का है कि बिहार के लिए बाहर जाकर चमक रहे हैं, बिहार आज भी अंधेरा है। क्यों? इसका जवाब है हमें सिंह के पास नहीं है। हम सबों की चिट्ठी बता रही है क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैडम का ये जुमला नहीं है कहने की, मैडम की दिशा में दिशा में जुमला जमा हो गया है। इतना तो हमारी सरकार के पास नदियाँ का नदी थी है न बढ़ने की न बढ़ाने का, और बढ़ पाओ जरूर है बढ़ाने की नहीं है। महीने महीने नाते बच्चों को खाना पीना दे दो, पेट भर दो, पैसे दे दो, वही रोको। लेकिन हम लोग की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वैसे तीनों को तलाशें और उनको उनके मुकाम तक पहुंचाएं। और आज इसी कोशिश के लिए ये जो एक साल पहले इस पार्टी की टीम रखी गई थी, तो मैडम ने सिर्फ यही सोच कर रखा कि बिहार के हीरे बिहार में ही चमके, हमारे बच्चों को बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। स्कूल ढूंढना है तो बिहार के बाहर जाओ, नौकरी ढूंढनी है तो बिहार के बाहर जाओ, बिहार में क्यों नहीं। अगर सिर्फ गया की बात हम करें, सिर्फ गया की बात करें।